वाले बन चैनल, आज मैं आपके लिए लेकर आए डोरमेट का वीडियो जो कि मैंने एकदम वाटरमेलन की शेप में बनाया हुआ है, आई मीन वाटरमेलन की कलर शेप में बनाया हुआ है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद है तो प्लीज़ आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए, अपने प्यारे प्यारे कमेंट जरूर भेजिए और मेरे वीडियो को शेयर कीजिए। और फ्रेंड्स, गिव अवे चल रहा है, तो अगर आपने गिव अवे की वीडियो देखी नहीं है और अगर आपको पार्टिसिपेट करना है गिव अवे कॉन्टेस्ट में, तो उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, आप वहाँ से वीडियो को देख सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट कीजिए वीडियो। आज मैं बनाने जा रही हूँ ये वाला डोरमेट। इसके लिए देखिए मैंने 24 फंदे डाले हैं, 18 फंदे मैंने ये रेड डाले हैं और 4 फंदे ग्रीन डाले हैं और 4 ये येलो कलर के डाले हैं। और देखिए फंदे डालने के बाद मैंने 18 फंदे रेड कलर से डाल लिए और फिर ये इस कलर से डाले, फिर इस कलर से डाले हैं। स्टार्टिंग से ही मैं बता रही हूँ, पहली रो जो 4 फंदे इस कलर से डाले हैं उनको इसी कलर से बुन लेंगे। अब देखिए इस वाले कलर से बुनेंगे, अब ये रेड कलर लेंगे, दो फंदे यहाँ पे बिना बुने ही छोड़ देंगे, यहीं से पलट लेंगे इसे। इस रो में जो जिस कलर का है उस कलर से इसको बुनूंगी और इस रो को कम्प्लीट। ये रो मैंने बना के कंप्लीट कर ली है। आप देखिए इस साइड जो इस कलर से है उसको मैं इसी कलर से बुनूंगी। ये 4 फंदे इस कलर से बुन लेंगे। आप देखिए इस धागे को इधर कर देंगे और इसको ऐसे करके इस वाले से 4 फंदे बुनूंगी। इसमें मैं 8-8 रो निकाल रही हूँ इस दोनों कलर की। देखिए इस तरह से ये 4-4 रो दिखेंगी, तो 8-8 रो निकल जाती हैं, तभी एक साइड 4 रो दिखती हैं। और देखिए अब मैं यहाँ से रेड बुनूंगी, यहाँ पे 2 फंदे छोड़ दूंगी, यहीं से पलट लूँगी इसे और इस रो को कंप्लीट करूँगी पूरा बनाते हुए। ये देखिए इस रो में अब मैं फिर ये 4 कलर, 4 फंदे इस कलर से बुन लिए, 4 इससे, बाकी फंदे इस रेड से बुनूंगी। और 2 फंदे यहाँ पे छोड़ दिए फिर और यहीं से पलट लिया। अब इस रो को जो जैसा है उसको बना के कंप्लीट कर। ये देखिए इस रो में ये हमारी 4 रो हो गई हैं, 1, 2, 3, 4। और देखिए मैंने इसको इस तरह से बुन लिया। अब देखिए जो इस कलर से बुना है वो मैं इस कलर से बुनूंगी और इसको इससे बुन दूँगी। अब देखिए यहाँ से मैं ये धागा चेंज कर दूँगी और ये वाला कलर है जो यहाँ से इस तरह से लगा दूँगी। देखिए उल्टे साइड से ये कलर चेंज होगा। ये 4 फंदे मैंने इस ग्रीन से बुन लिए जो येल्लो से बुने थे। आप देखिए ये धागा यहीं है, तो मैं ये 4 फंदे इस तरह से बुनूँ। ये देखिए यहाँ से कलर चेंज हो गया इसका, ये देखिए पैटर्न इसका चेंज हो गया, यहाँ से आ गया। आप देखिए यहाँ से मैं सारे फंदे दो दो करके छोड़ दूँगी, यहाँ तक आ जाएंगे 2 फंदे तक तक। ये देखिए मैंने लास्ट 2 फंदे तक इसमें छोड़ दिए हैं और देखिए इसकी भी ये 4-4 रो हो गई हैं। तो अब मैं इसको फिर चेंज करूँगी, इधर ये वाला कलर लाऊँगी इस तरह से। ये 4 फंदे मैंने इससे बुन लिए और ये वाला धागा है जो इससे मैं ये 4 फंदे बुन लूँगी इस तरह से। अब देखिए यहाँ से मैं ये वाली डिजाइन डालूँगी, तो इसके लिए मैं सारे फंदे इस रो में ब्लैक से बुन लूँगी इस तरह से।
ये देखिए सारे फंदे मैंने बुन लिए। अब इधर से एक रो और बना लेंगे, उसके बाद दिखाएं। ये देखिए मैंने इधर से एक रो कंप्लीट कर लिए। आप देखिए जो इस कलर से हैं इनको मैं इसी कलर से बुन लूँगी, चार फंदे। और इस धागा को इधर कर देंगे और इससे बुनेंगे ये वाले। देखिए इस तरह से ब्लैक वाला धागा इस तरह से यहाँ कर देंगे। और देखिए यहाँ पे मैं, आप देखिए मैं डिज़ाइन डालूँगी ये वाली। तो देखिए इसके लिए एक दो तीन, तीन फंदे ब्लैक बुन लिए। उसके बाद मैं एक फंदा रेड बुनूँगी, फिर मैं तीन फंदे ब्लैक बुनूँगी इस तरह से, और एक रेड, तीन ब्लैक, एक रेड। ये देखिए यहाँ पे हम दो फंदे छोड़ेंगे, तो यहाँ पे ये दो फंदे ब्लैक बचे हैं, इनको मैं बना के कंप्लीट कर रही हूँ। आपके जितने फंदे हों आप इसी तरह से उनको बुन लें। और इस रो में ये देखिए जो जैसा फंदा है उसको मैं वैसा ही बुनूँगी इस तरह से। देखिए रेड है तो मैं रेड के लिए धागा आगे लाई और रेड बना लिया। अब ब्लैक के लिए धागा आगे लाएंगे इस रो। ये देखिए इस रो में जो जैसा है यहाँ पे, ये चार फंदे मैं इस कलर से ही बुन रही हूँ, और आगे के फंदे इस कलर से बुनूंगी इस तरह से। ये चार फंदे बुन लिए। अब देखिए यहाँ पे जो, ये देखिए तीन फंदे ब्लैक बुने थे, अब इनको मैं दो फंदे बुनूंगी यहाँ पे। ये देखिए दो फंदे बुन लिए, और ये एक फंदा रेड से बना लेंगे ऐसे, और एक ये बना लेंगे। तो दो फंदे हो गए मेरे रेड और दो ब्लैक इस तरह से। ये वाला फंदा इसके पास वाला रेड बुन लेंगे ऐसे। ये देखिए एक दो, दो ब्लैक हो गए, उसके बाद दो रेड हो गए। और देखिए ये दो फंदे छोड़ दिए मैंने, पहले ये दो छोड़े थे, अब दो ये छोड़ रही हूँ। और यहीं से इसको पलट लूँगी। अब देखिए जो मेरे ये रेड हैं उनको मैं रेड बुन लूँगी इस तरह से, धागा पीछे करके आगे ब्लैक आगे लाऊँगी, और ये दो फंदे इस तरह से बुन लूँगी। फिर धागा इधर कर दूँगी, ये वाला धागा आगे लाऊँगी ऐसे, इसको पीछे, और इस रो को। ये देखिए ये रो मैंने कंप्लीट कर ली। अब देखिए इधर से जो इस कलर से हैं उनको मैं इस कलर से बुनूँगी। ग्रीन है उनको ग्रीन बुनूँगी। अब देखिए जो ब्लैक का है उसका मैं एक फंदा बुन रही हूँ, ये वाला फंदा रेड बना लूँगी। रेड के हमारे पास तीन हो गए, एक दो तीन। अब देखिए एक ये ऐसे बुन लूँगी, और ये रेड से बुन लिया तो रेड के यहाँ पे भी तीन हो गए, ब्लैक का एक रह जाएगा। अब देखिए ये वाले फंदे मैं छोड़ दूँगी रेड के, और यहीं से पलट लूँगी इस तरह से। इस धागे को मैं आगे लाऊँगी ब्लैक को, और इसको पीछे कर दूँगी। देखिए एक फंदा मैं ब्लैक बुन रही हूँ, यहाँ से रेड आगे लाऊँगी तो मैं ये तीन फंदे रेड के बुनूँगी। देखिए जो जैसा है उसको मैं ऐसे ही बुनते जाऊँगी। लास्ट में एक फंदा रह गया हमारे पास ये ब्लैक का। अब देखिए ये वाले फंदे इसमें, देखिए चार रो हो गई हैं, तो मैं यहाँ से कलर चेंज कर दूँगी, ये वाले इस कलर से बुन दूँगी। और ये वाले इस कलर से, इसको लूज रखेंगे ताकि ये खिंचे नहीं। आप देखिए यहाँ से मैं सारे फंदे रेड बुन लूँगी, जिस तरह से मैंने स्टार्टिंग की थी कली के, यहाँ से स्टार्ट किया था उसी तरह से मैं यहाँ से, ये देखिए यहाँ से सारे फंदे
ये देखिए सारे फंदे मैंने रेड से बुन लिए हैं। और देखिए अब मैं यहाँ से एक रो रेड की निकालूँगी, उसके बाद फिर मैं दो दो फंदे छोड़ना स्टार्ट करूँगी। जब ये लास्ट में दो फंदे बचते हैं उसके बाद ये डिजाइन डलती है। इसी तरह से मैं इसको पूरे को कंप्लीट कर दूँगी।